क्या महिलाओं को भी बढ़ चढ़ के राजनीति में आना चाहिए? आना चाहिए राजनीति में बढ़ चढ़ के, महिलाओं को भी, क्यों? सेम। महिलाओं के तो सबसे ज्यादा वॉशरूम की प्रॉब्लम होती है यहाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी ग्राउंड नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदौरा। इस वक्त मैं इलाहाबाद में मौजूद हूं और आपको बता दें कि आज इलाहाबाद के अंदर चर्चा का विषय है कि राम सिंह सोलंकी, जो कि कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार थे, उन्होंने भाजपा के राजेश कनवाड़िया को 347 वोटों से पटखनी दे दी है। ये भी बता दें कि राम सिंह सोलंकी, जो कि वायुसेना से रिटायर है और पंचायत में सेक्रेटरी रहे हैं, किस प्रकार उनका इलाहाबाद क्षेत्र के अंदर हर किसी के साथ उनका व्यवहार है, उनके ताल्लुक है, उनकी शैली है। आज इलाहाबाद ने स्पष्ट रूप से बयां कर दिया कि राम सिंह सोलंकी ही वो एक ऐसे इंसान है कि वो इलाहाबाद के तमाम मुद्दे वो जानते हैं कि इलाहाबाद में क्या क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर के वो जो है विकास करवा सकते हैं। आज मैं इस वक्त राम सिंह सोलंकी है उनके आवास के बाहर मौजूद हूँ और आज मैं स्पेशल उनके साथ खास मुलाकात करूंगा। तमाम एजेंडों पर हम बातचीत करेंगे कि आने वाले समय में इस इलाहाबाद क्षेत्र के विकास के लिए उनके पास क्या क्या मुद्दे होंगे, जिन मुद्दों को लेकर के वो सरकार प्रशासन तक आवाज बुलंद करेंगे, इन तमाम मुद्दों पर हम आज उनसे बातचीत करेंगे। चलो चलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। इस वक्त मैं उनके आवास स्थान पर मौजूद हूं और आप ये देख सकते हो दर्जनों भर कार्यकर्ता उनसे मिलने के लिए आए हैं, उनको बधाई देने के लिए आए हैं। आज सुबह से ही जैसे ही ये रिजल्ट निकल करके सामने आया कि राम सिंह सोलंकी ने इलाहाबाद नगर निकाय चुनाव में जीत हासिल कर ली है, लगातार बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। ये आप देख सकते हो तमाम कार्यकर्ता साथी है उनसे मिलने के लिए आए हैं। देख सकते हो राम सिंह सोलंकी जी हमारे कैमरे पर है। सोलंकी साहब, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सोलंकी साहब, आपको जनता ने भरपूर साथ दिया है, क्या कुछ इलाहाबाद क्षेत्र के लिए आप संदेश देना चाहते हैं? संदेश ये है कि जो प्यार दिया है मुझे जनता ने, उसके आधार पर मैं जनता की सेवा करना चाहता हूँ और जन सेवा मेरा मकसद है, मिशन लेके चला हूँ तो मैं जन सेवा करनी। सोलंकी साहब, इलाहाबाद क्षेत्र की बात करें तो क्या क्या ऐसे मुद्दे थे जिन मुद्दों को लेकर के आप लोगों में बड़ा प्रचार प्रसार किया कि आप मुझे वोट दो, मैं आपकी आवाज बनकर के जो है शासन प्रशासन तक आपकी आवाज बुलंद करूंगा, क्या क्या ऐसे मुद्दे थे? दो मुद्दे थे, एक था निजी विकास और एक शहरी विकास, जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। तो निजी विकास में एक जो पर्सन लोगों की सरकार की स्कीमें हैं उनको देना और जो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं कोई उनमें जो परेशानी है जो उसको ठीक से करना, और शहरी विकास में हमारे जो समस्याएं हैं जल भराव की है, पार्किंग की है, या जो स्वच्छता की है, स्वास्थ्य की है और नशे की है, इन सब मुद्दों को यानी कि लोगों के पास गया था, लोगों ने पसंद किया और मुझे सुना। मैं जनता का बहुत ही तरह से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। राम सिंह जी, अगर इस इलाहाबाद बेल्ट की बात करें, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर छुट्टे का है, लगातार युवा है वो इस नशे के गर्त में जा रहे हैं, तो आपका क्या मानना है? चिट्टे का काम खत्म करना सरकार को, इलाहाबाद की जो प्रॉब्लम है वो सरकार को बता सकता हूँ, प्रस्ताव पास करके भेज सकता हूँ, मेरी ये प्रॉब्लम है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको रोकने का काम है वो सरकार का है, जिस प्रकार से पुलिस है या एडमिनिस्ट्रेशन उसके साथ में मिलकर मैं काम कर सकता हूँ। मैं अपनी जो प्रॉब्लम है सारी सारी सरकार को बताऊंगा कि ये प्रॉब्लम है जी, इस नशे को रोका जाए, जो जहाँ भी मेरी हेल्प होगी मैं उनकी हेल्प लेके या मैं जो उनकी सहायता कर सकता हूँ सरकार करके इसको रोकने का हम कार्य करेंगे। पूरी जनता को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, जितना मुझे प्यार दिया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि जनता मुझसे इतना प्यार करेगी, और हर गली में कुचे में कहीं भी चले जाओ राम सिंह सोलंकी, राम सिंह सोलंकी का जो नाम निकाला है, मैं इस जनता को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे इतना प्यार दिया। हमें शहर वासियों का बहुत साथ मिला है, बहुत प्यार मिला है स्टार्टिंग से, मतलब वो हमें ये इस जगह पे देखना चाहते थे कि आपकी जीत, तो हर कदम कदम पे हमारा साथ दिया है उन्होंने, और साथ उन्हीं के साथ के कारण हम आज ये विजय हासिल करी हमने। माता जी, क्या क्या मुद्दे थे जिन मुद्दों को लेकर के आप जनता से मिलते रहे, उनको बताते रहे कि आप हमें वोट दो, हम जब यहाँ से नगर निकाय चुनाव में विजय होंगे तो इन मुद्दों को लेकर हम शासन प्रशासन तक मिलेंगे, आपकी समस्याओं
का समाधान करवाने का काम करेंगे। क्या क्या मुद्दा? सबसे बड़ा मुद्दा तो पानी का है, जल भराव का, जो शहर में हर जगह मतलब पानी भरा रहता है। और दूसरा ये है कि क्या नाम, बच्चों आजकल हर मतलब शहर में, पूरे शहर में बच्चे नशा बहुत कर रहे हैं, नशा का। और महिलाओं के लिए कहीं भी देखो, जब महिलाएं मतलब बाहर निकलती हैं तो शहर से बाहर, उनको शौचालय के लिए बहुत परेशानियां झेलनी पड़ती है। और तीसरा सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जो भी मतलब शहर में कोई भी काम ऐसा है कि पूरा रोड ये मार्केट की कवर हो ही रहती है, उसे पार्किंग का सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि शहर वासियों को जाने के लिए इधर उधर घूमने के लिए बहुत परेशानी होती है। लगातार आप चुनाव कैंपेन में रहे और कहीं ना कहीं हम देखते हैं महिलाओं को, देखते हैं तो महिला घर से बाहर निकलती है तो सोच रहे कि उस पर क्यों सम्मार्क होते हैं। आपने एक स्टार प्रचार के रूप में दिन रात घूम करके प्रचार किया, तो ऐसे में आप जो आपका जो एक्सपीरियंस है ये हमारे दर्शकों तक साझा कीजिए। क्या महिलाओं को भी बढ़ चढ़ के राजनीति में आना चाहिए राजनीति में बढ़ चढ़ के महिलाओं को भी, क्योंकि महिलाएं आएंगी तो सारी परेशानियों का, महिलाओं के लिए जो भी मुद्दे होंगे, महिलाओं की जो परेशानियां होगी, महिलाएं ही खुद की परेशानी खुद दूर कर सकती हैं। और महिलाएं की जो भी ये जैसे आजकल गरीब परिवार के बच्चे हैं जो, वो शिक्षा के पीछे घूमते हैं, उनका कोई मतलब शिक्षा का वो नहीं है। तो इसके पीछे महिलाओं को एक अपनी कमेटी या कुछ भी करना चाहिए, महिलाएं ये काम करा सकती हैं। सबसे पहले कलम से जो ये देखा है कि पानी जल भराव है, सबसे पहले ये काम होगा। मेरा नाम अंजलि सोलंकी है। मुझे बहुत खुशी हुई कि यहाँ के लोगों ने हमें सपोर्ट किया और एजुकेटेड पर्सन को चुना जो कि आगे का फ्यूचर सोचता है। और ऐसा रहेगा कि जो हमने मुद्दे चुने थे हम सबसे पहले उसको पूरा करेंगे, ताकि देशवासियों के लिए, जो भी यहाँ की जनता है ना, उन्होंने यही सोच के हमें जिताया है कि हम जो भी मुद्दे डैडी ने चुने, मेरे ससुर लगते हैं, डैडी जी लगते हैं, उन्होंने जो मुद्दे लिए हैं वो उनको पूरा करेंगे, ठीक है। और बाकी सबका सहयोग मिलेगा। हाँ, मैं बीटेक की हूँ, मैंने बीटेक की है सीएससी में। हाँ, तो आप एक एजुकेटेड पर्सन हो। हाँ, अगर आप एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन का स्तर लगातार गिरता जा रहा है, इसको लेकर क्या आपका? इसमें डैडी जी ने ये बोला है कि हम आगे इम्प्रूव करेंगे। एक्चुअली डैडी जी का ये रहा है कि वो पहले आर्मी में थे, ठीक है, इंडियन आर्मी से रिटायर हुए हैं, उसके बाद पंचायत सेक्रेटरी रहे हैं, और उनको एजुकेशन लेवल पे बहुत एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस लेवल, जिनको एक्सपीरियंस होता है वो बहुत सपोर्ट करता है इन चीज़ों को, है ना। अनएजुकेटेड पर्सन थोड़ा सा पीछे रह जाता है, वो दोनों को लेके चल रहे हैं, जो इलिटरेट हैं उनके लिए भी और जो एजुकेटेड है उनके लिए भी। इसीलिए उन्होंने फ्यूचर देखा है कि ये प्रॉब्लम आ रही है, इनको कैसे रिकवर करें। एक्चुअली बहुत सारी प्रॉब्लम आई है, ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस दिखी है। जैसे महिलाओं के तो सबसे ज़्यादा वॉशरूम की प्रॉब्लम होती है यहाँ पे, जब सबसे ज़्यादा सुना है वो वॉशरूम का प्रॉब्लम है। जैसे कि उनको कोई अच्छी, यहाँ पे एक ही है वॉशरूम, तो काफ़ी और चीज़ें भी हैं कि, पर ये रहा कि कोई पढ़ा लिखा हो या ना लिखा हो, बहुत सपोर्ट मिला है हमें, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है। लेडीज़ ने जो घर में भी रहती हैं उन्होंने आके रैली में सपोर्ट किया है, हर जगह सपोर्ट किया है, तो अच्छा लगा रिस्पॉन्स सबका। और उन्हीं के साथ सबके प्यार से हम यहाँ पहुँच गए, तो ठीक है। हाँ ज़रूर, हमने ये मुद्दे इसीलिए लिए ना, ताकि उनको रिकवर करें, है ना, कैसे उनको पूरा करें, जो भी मुद्दे हैं, समस्या आ रही है उनको कैसे ठीक करें जिससे सुधार हो।